रहा है, ये जो पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है आपको मेरे मार्च से पता ही चल रहा होगा, मतलब दुनिया इधर की उधर हो चुकी है, सब चीज़ का बारह बज चुका है, पूरी दुनिया तहस नहस हो चुकी है, ट्रैवल इंडस्ट्री किसी भी चीज़ का मतलब किसी भी चीज़ का किसी को भी कोई आइडिया नहीं है कि वो कितना डेप्थ पर पहुंच गया है। मुझे बस एक ही बात की चिंता थी, वो थी बस ट्रैवलिंग की, ये पेंडेमिक के बाद कैसे ट्रैवलिंग कर पाए, हम वापस फिर से वैसा ट्रैवलिंग कर पाएंगे कि नहीं, मतलब सारी जो सारा जो प्रॉब्लम था वो बस ट्रैवल को लेकर ही था, मैं पहले की तरह घूम पाऊंगा कि नहीं, पहले की तरह इंटरनेशनल कर पाऊंगा कि नहीं। हालांकि ये जो सिचुएशन है इसको देख के मुझे तो नहीं लग रहा है कि इंटरनेशनल इतना जल्दी खुल पाएगा, हालांकि दुबई और सर्बिया बहुत सारे कंट्री है जो वापस एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये फिलहाल अभी की तरह वैसा नहीं चल रहा है। तो मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है अपने देश में ही ट्रैवल करने का, तो ये मौका है अपने देश को ही अच्छी तरीके से देखने का, अपने देश में ही अच्छी तरीके से तजुर्बा लेने का। मैं इस वक्त हूँ सियालदह स्टेशन के ठीक सामने और रात का 10 बज रहा है और ट्रेन मेरा 11 बजे, हाँ 11 बजे मेरा ट्रेन है और अभी बहुत सारे ट्रेन अवेलेबल नहीं है, शायद दिन में 2-3 ही ट्रेन है, वो भी स्पेशल ट्रेन है। मैं हूँ सियालदह यानी कोलकाता में, तो मेरा जो डेस्टिनेशन है, फाइनल में पॉइंट आता हूँ, मेरा डेस्टिनेशन न्यू जलपाईगुड़ी और वहाँ से मैं जाऊँगा दार्जिलिंग, दैट मीन्स मैं जाऊँ दार्जिलिंग। तो पिछले बार की तरह नेपाल की ट्रिप की तरह हमारे मेरे कुछ यहाँ पे मित्र बंधु, मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ फ्रेंड्स, मेरे कुछ छोटी बड़ी मेरे साथ हैं, नेपाल का जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिला था उसी तरह अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, दार्जिलिंग जा रहे हैं ना, तो दार्जिलिंग में भी हम लोग घूमेंगे, बहुत अच्छी तरह घूमेंगे और एकदम बजट में घूमेंगे, एकदम इसी तरह बजट में घूमने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और इनोवा है ना, जाने से मतलब है कहाँ जाएंगे दादी? हाँ दादी, शेयरिंग में जाएंगे, रिजर्व जाएंगे, टाटा सुमो में। हाँ आइए आइए, नहीं पहले बताइए तब ना आइए। 2000 दीजिएगा, कितने लोग हैं? 2000 से ज़्यादा पड़ा, अंदर अभी 1200 में बात होगा। सुनिए भैया, 1000 में लेके जाएंगे, फिर पैकेज करना पड़ेगा भैया, पैकेज करेंगे। हाँ वो घूमने उमने के लिए गाड़ी उड़ी चाहिए, हम लोग डायरेक्ट गाड़ी वाला भैया, हम लोग नहीं। तो हुआ तो एक ही हो गया ना, अब जो घूम रहे हैं पैकेज करने के लिए ना, 1000 से मिल जाएंगे। सुनिए भैया, आप वहाँ प्रीपेड आप पूछ सकते हैं कितना है भाड़ा, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, रुकिए, हम लोग पहले जाएंगे तो बोलिए हम चले सर, मेरा गाड़ी इनोवा देखा देंगे, चले ठीक है, जाने चले दार्जिलिंग है, लाल वाला गाड़ी में जाएगा ना, दार्जिलिंग बोलो तो
जाइए डालने मत दीजिए, सही है 1200 में जाइए, रिजर्व में 1200 में रिजर्व में क्या शेयरिंग में, शेयरिंग मतलब शेयरिंग में नहीं जाएगा। मैं बोला आपको सिर्फ आप लोग ही जाएंगे और जगह कहाँ है, 4 आदमी है, 4 सीट है। नाश्ता तो रास्ते में यहाँ कहाँ कीजिए। तो जनाब मैं भी जस्ट न्यू जलपाईगुड़ी उतरा और ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है। ट्रेन का यहाँ पे अराइवल टाइम था 9:30 और यहाँ पे हम तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट पहले ही हम यहाँ पे पहुँच गए, तो काफ़ी अच्छा लगा। इंडियन ट्रेन में टाइम से पहले मतलब ये बहुत बड़ी बात है। एनीवे पॉइंट, कुछ वेंडर्स हमें अभी परेशान कर रहे थे गाड़ी के लिए, तो यहाँ से हम अभी गाड़ी देखेंगे दार्जिलिंग के लिए, न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए। तो जनाब आप अगर दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो मैं आपको सबसे सरल तरीका बताऊंगा दार्जिलिंग जाने का। तो सबसे सरल तरीका यही है, मैं ट्रेन का रूट का बात करता हूं, सबसे पहले ट्रेन रूट का बात करता हूं। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं दार्जिलिंग तो सबसे पहले आपको जाना होगा न्यू जलपाईगुड़ी। या न्यू जलपाईगुड़ी एक स्टेशन है, न्यू जलपाईगुड़ी में आपको उतरना होगा और न्यू जलपाईगुड़ी से तमाम गाड़ियाँ दार्जिलिंग के लिए निकलती हैं। आप शेयर्ड या आप रिजर्व करके भी दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। तो ये है ट्रेन का रूट। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो कोलकाता से बहुत सारी बसें आती है सिलीगुड़ी के लिए, तो आप कोलकाता से सिलीगुड़ी का कोई भी बस पकड़ के सिलीगुड़ी आइए, फिर वहाँ से भी कोई शेयर्ड कैब या फिर रिजर्व गाड़ी करके आप दार्जिलिंग जा सकते हैं। और तीसरा तरीका है, आप अगर बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो दार्जिलिंग में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, तो आपको फ्लाइट लेना होगा बागडोगरा के लिए। बागडोगरा एक एयरपोर्ट है जो कि है सिलीगुड़ी के ठीक पास में ही है, तो आपको बागडोगरा उतरना होगा और बागडोगरा से भी आप डायरेक्ट दार्जिलिंग जा सकते हैं। वहाँ से भी बहुत सारे शेयर्ड कैब मिलते हैं या रिजर्व टैक्सी मिलता है, रिजर्व तमाम गाड़ियाँ वहाँ से मिलती है, तो आप जा सकते हैं। तो ये 3 तरीका है जिससे आप दार्जिलिंग जा सकते हैं। अगर आप कोलकाता के बाहर से आ रहे हैं तो सबसे पहला तरीका है ट्रेन, दूसरा है बाई रोड यानी बस से, और तीसरा तरीका है बाई फ्लाइट। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन और ये थी मेरी थोड़ी सी छोटी सी कोशिश आपको इन्फॉर्मेशन देने का, और चलते हैं आगे, इन्फॉर्मेशन जारी रहेगा अब बारी गाड़ी पकड़ने का। अभी हमको बस दार्जिलिंग जाना है, बाकी का हम बाद में देख लेगा। अभी दार्जिलिंग जाएगा, बाकी बाग का बाद में देख लेगा। कितना लेंगे? 4 आदमी रिजर्व में जाएंगे ना? कौन सा गाड़ी स्विफ्ट डिजायर में होगा? 4 आदमी है ना, स्विफ्ट डिजायर में दिक्कत होगा तो इसमें चलिए, बुलेट में चलेगा। कौन सा गाड़ी है? टाटा सुमो। तब तो बोला था ना आने का टाइम में, आप लोगों चारों को लेके जाएंगे। 2000 रुपया देंगे। कौन सा गाड़ी है? ओ, स्विफ्ट गाड़ी है ये। कौन सा? स्विफ्ट, स्विफ्ट डिजायर। हाँ, 1700 दीजिए। आइए, इनोवा भी है जैसा इच्छा आपका। 1700 रीजनेबल रेट। स्विफ्ट डिजायर मतलब नीचे गाड़ी है ना, दिक्कत होगा पाँव मोड़ के। सुनिए ना भैया, टाटा सुमो में 2000 देंगे आप? छोटा गाड़ी में चला जाइए 1700 में। अच्छा ठीक है, आप ना आपका ना मेरा 1700 1800। तो रास्ता का खर्चा आप दीजिएगा? रास्ता क्या खर्चा? टोल उल का खर्चा आप दीजिएगा, इसीलिए बोला कुछ वो सब तो कोई झमेला नहीं है। 1800 दीजिए भैया। आइए चलिए चलिए भैया, लग्जरी जाना है तीनों का। तो एक गाड़ी मिला है टाटा सुमो, जो मैं भी ठीक न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के सामने हूँ। अच्छा आप रुकिए, गाड़ी लेके आइए। ये वो गाड़ी है जहाँ से हम अपना सफ़र का शुरुआत करेंगे। सामने बैठता हूँ। We'll be right back.
अच्छा पहाड़ों पे आने का मजा ही कुछ और है गाड़ी जब वो जाने का। अभी मैं हूँ दार्जिलिंग के रास्ते में, इस जगह का नाम है 8 माइल, और मेरे आप ठीक पीछे देख सकते हैं ये जो ट्रैक है, ये रेलवे का जो ट्रैक है, ये टॉय ट्रेन का एक्चुअली ये ट्रैक है। इसके गॉज को भी आप देख सकते हैं, नैरो गॉज है, और इसी ट्रैक से ही टॉय ट्रेन जाती है दार्जिलिंग के लिए। और फिलहाल कोरोना के वजह से ये सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है, ट्रेन की जो सेवा है उस सेवा को फिलहाल के लिए भी बंद कर दिया जा चुका है। हवा बहुत ठंडा आ रहा है। मैंने NGP से शुरू किया था अपना सफ़र 9:37 पे, और अभी 11:38 हो रहा है। तकरीबन 2 घंटे का सफ़र हम लोगों ने किया अपने गाड़ी से, और पहुंच गए हैं पहाड़ों के ऊंचाई पर। और टेम्परेचर यहाँ का काफ़ी कम है, काफ़ी नहीं कम है, अगर हम कंपेयर करेंगे कोलकाता और फुटहिल से, मतलब प्लेन से अगर कंपेयर करेंगे तो उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा ही कम है। और यहाँ पे जनाब जो हमारे ड्राइवर थे रोके हैं थोड़ा चाय पानी नाश्ता के लिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे स्टॉपेज पे, हिल स्टेशन पे जाते हुए चाय पीते हुए, चाय का आनंद लेते हुए, सफ़र का आनंद लेते हुए। तो मैं अब अपना गूगल मैप ऑन करके देखता हूँ अपना होटल किस तरफ दिखाता है।